सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रेंजो डोव अर्जेंटिनो एंड विनर। और भाई मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं और कि आपने डोवो अर्जेंटिनो ब्रीड क्यों चूज करी। तो आज इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने रेंजो डोव अर्जेंटिनो ब्रीड क्यों ली। सभी दोस्तों के इसमें टॉपिक क्लियर करूँगा कि मैंने डोव अर्जेंटिनो ब्रीड क्यों चूज करी। और प्लीज़ वॉइस को एडजस्ट करना क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है। भाई मैं कोई यूट्यूबर ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, अभी छोटा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो उनकी जो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही कि डोव अर्जेंटिनो ब्रीड क्यों चूज करी। तो भाई मैं कुछ टॉपिक हैं जो मैंने इसमें अपना कवर किए हैं कि आखिर मैंने लिया तो उससे मैंने क्यों लिया। नंबर वन टॉपिक है बेस्ट गार्ड डॉग फॉर यू। ये अपनी फैमिली के लिए, अपने ओनर के लिए बेस्ट गार्ड डॉग। पिटबुल भी अच्छा होता है गार्डिंग के मामले में, लेकिन उसमें ये है कि वो कभी कभी उसकी शिकायतें आने लगी हैं। जैसे कि लखनऊ वाला सीन हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसने अपने ओनर पर अटैक किया था। इसमें आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे साथ भी, मैंने और लोगों से भी फील किया। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी ब्यूटीफुल एंड बास डॉग। आप देख सकते हो कि जो पिटबुल है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कलर होते हैं उसकी जो, फिर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी के अपने अपने पसंद है। तो जो उसमें पिटबुल में होता है कि उसकी जो काफ़ी सारे कलर होते हैं ना, तो मार्टनेस है वो थोड़ा कम लगती है। और इसमें जो डोव अर्जेंटिनो की खासियत ये है कि इसमें केवल सिर्फ एक ही कलर कोड है, वाइट, और पिंक इसकी स्किन होती है तो ब्यूटीफुल लगता है जो इसकी जो स्मार्टनेस है उस मामले में। नेक्स्ट है वेरी इंटेलिजेंट, बहुत माइंडेड ब्रीड होती है ये भी। ऐसी बात नहीं है कि और ब्रीड ही माइंडेड है, पिटबुल से भी कहीं ज़्यादा मुझे इसके अंदर इंटेलिजेंसी लगी। ये जल्दी सीखता है अगर इसको एक अच्छा ट्रेनर हो। ये मैंने खुद ही थोड़ा सा ट्रेन किया है, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट किया है। मैं ट्रेनर तो हूँ नहीं, लेकिन जो मैं मुझसे हुआ मैंने वो किया। इंटेलिजेंसी के मामले में अच्छा है, सीख जल्दी जाता है ये। अगला टॉपिक है हाई एनर्जी। भाई एनर्जी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। लेवरा, रॉड या फिर ग्रेट डेन, बुलडॉग, तो उनकी टक्कर पे या उनसे 21 ही बैठेगा। लेवरा का तो कोई मुकाबला नहीं है इसके सामने। ये तो लेवरा तो फिर हमने बचा है एनर्जी के मामले में, और इसमें इतनी एनर्जी है। कभी कभी हमें हाई एनर्जी का बेनिफिट भी मिलता है अपनी गार्डिंग में, अपने घर की प्रोटेक्शन में। तो ये एनर्जी के मामले अभी भी देख सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल पिछले आधे घंटे से खेल रहा है और ये टीका के साथ और बच्चों के साथ, और बच्चे भी नीचे चले गए, वो बच्चे थक गए लेकिन ये नहीं थका, अभी भी कंटिन्यूसली खेल रहा है और काफ़ी एनर्जी है भाई एनर्जी के मामले में, नो डाउट। अगला टॉपिक मैं कवर करूँगा कि पावरफुल डॉग। पावर बहुत है इसमें। आप पावरफुल के मामले में मेरी एक और वीडियो है मेरे ही चैनल पर, जिसमें रेंजो ने हम दो लोगों को बिठा करके बाइक खींच दी थी, मुझे और सुबिल को, लोगों को बंद बाइक को खींच दी थी। वेरी लॉयल फॉर फैमिली, लॉयल्टी के मामले में नो प्रॉब्लम, नो डाउट। फैमिली के लिए इतना ओके टेस्टेड लॉयल है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये केवल गार्डिंग के मामले में ठीक है, लॉयल नहीं है। भाई देखो, अनजान के लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, अनजान पे तो ये अटैक करेगा ही। बाकी ये है कि फैमिली के लिए बहुत लॉयल है, अभी भी बच्चे हैं ये बच्चे के साथ खेल रहा है, वो छोटी सी बच्ची है हमारे घर की। देखिए मैं तो हूँ नहीं साथ में, मैं अलग हूँ, और मैंने और भी वीडियो डाली हुई अपने घर के बच्चों के साथ, तो काफ़ी लॉयल है भाई इस मामले में, नो तोड़। फियरलेस डॉग, काफ़ी अच्छा, मतलब कि डर के मामले में डर तो है ही नहीं, लड़ने के लिए ये शेर से भी लड़ जाएगा, डर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन डरेगा नहीं, डर नहीं है इसमें, इसलिए बेस्ट गार्ड डॉग है। और अगला टॉपिक मैं कवर करूँगा कि पिटबुल से ज़्यादा वफादार। भाई काफ़ी मेरे सारे दोस्तों को इसमें बुरा ना लग जाए कि पिटबुल से ज़्यादा वफादार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सीन खुद सुन लिए हैं पिटबुल के, वहाँ अटैक कर दिया, वहाँ कर दिया, मालिक के ऊपर ही खुद कर दिया, अनजान पे अननोन पे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मालिक के ऊपर खुद ही कर रहे हैं पिटबुल अटैक। तो उस मामले में या तो उन मालिकों की कमी होगी, यानी कि उसको ट्रेंड करने की, या कुछ भी है, या उसको टॉर्चर किया गया हो, या जो भी है, जो भी रीजन रहे हो, तो मेरे लिए तो है ही, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली इसके साथ बहुत सिक्योर फील करती है। सो इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी सारे टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में कवर करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी का, वेलकम मेरे चैनल में रेंजो के चैनल में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।